गांव घरों में इधर उधर जहां भी मंदिर होगा सोमवार के दिन जो है प्रिय दिन है भगवान शिव जी का स्नान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शिखा। भागलपुर के बाबा विटेश्वरनाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी में सुबह से ही भक्त जन मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए बताते हैं आपको ये खबर विस्तार से। भागलपुर के बाबा विटेश्वरनाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी को लेकर सुबह से ही बाबा के भक्त जन पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त, जहां बाबा से घर परिवार सहित राज्य और देश की सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं। वहीं छात्राएं अपने पढ़ाई को लेकर बाबा से गुहार लगा रही हैं। पहली सोमवारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं लाइन में लगाकर भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिर के कई कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह भोले शंकर को अति प्रिय होता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग पर कुछ चीज़ें अर्पित करने से शिव जी की विशेष कृपा होती है। कुछ चीज़ों को शिव पूजा में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए। पूजा की विधि, सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान शिव का और सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान रखें। देखिए क्या कुछ कहा भक्त जनों ने इस रिपोर्ट में। इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा भीड़ है यहाँ सवालों की। मैं श्रीपन दस नाम जूना खड़ा जी नाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर प्रेमानंद गिरी और रघुवीनाथ के सावन का पहली सोमवार है और सभी तो जो है धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। और श्रावणी का खरउत्तम उत्तरवाहिनी गंगा भी है और श्रावणी मास का तो जो है चारों सोमवार बढ़िया उत्तम जाता है और भीड़ भाड़ भी अच्छा रहता है और लोग गांव घरों में इधर उधर जहाँ भी मंदिर होगा सोमवार के दिन जो है प्रिय दिन है भगवान शिव जी का श्रावणी मास का। तो उत्साह से जल चढ़ाते हैं और श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं और बाबा जगन्नाथ तो चारों सोमवार भीड़ रहेगा लेकिन प्रथम सोमवार है और अच्छी भीड़ भाड़ है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं और नगर परिषद भी सफाई सुथरा में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का, कोई परेशानी अभी तक नहीं है और बाबा जगन्नाथ का आशीर्वाद रहेगा तो कोई परेशानी यहाँ नहीं होती है और विद्युत भी अच्छा है और PHD नगर परिषद सबका सहयोग है, सबका साथ है, सबका विकास है और बाबा जगन्नाथ का सभी के ऊपर आशीर्वाद धन्यवाद रहे। हम तो यही मनोकामना पूर्ण करते हैं कि सभी सुख शांति से सुल्तानगंज नगरी रहे और सभी पदाधिकारी लोग सुखी संपन्न रहें। दो माह का श्रावणी मेला इस बार लग रहा है सर, तो कौन कौन सा सोमवार है जो कि फलदायी है इस बार श्रावणी मास का? तो देखिए ये शुद्ध अभी जो है सावन मास चल रहा है, अमावस्या तक ये शुद्ध रहेगा, इसके बाद अधिक मास आएगा 15 दिन का, फिर उसके बाद जो है शुद्ध सावन आएगा, उसके बाद फिर अधिक मास आएगा। तो इस तरीके से 2 महीना जो है मेकअप करना है। अभी जो सावन चल रहा है ये शुद्ध सावन है और इसके बाद जो आएगा अधिक मास आएगा और अधिक मास में भी दान पुण्य पूजा पाठ अधिकतर होता है और होना चाहिए। चौमास जिसको चतुर्मास कहते हैं वही चीज़ है और ये घूम घूम करके समय के अनुसार सब आता जाता रहता है और इसको सभी लोग मानते हैं और इसमें पूजा पाठ का अधिक महत्व दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि चतुर्मास लग गया तो कोई काम धंधा या पूजा पाठ नहीं कर सकते। हाँ वैसा कोई काम है तो नहीं कर सकते लेकिन पूजा पाठ धर्म करना ये सब मैंने चतुर्मास में अधिक मास में जो है ज़्यादा ही उत्तम फल और दायक बताया गया है और सभी लोग करते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है उनको जानकारी होना चाहिए। अधिक मास इसीलिए बनाया गया है पूजा पाठ के लिए ही, इसमें शुभ काम ऐसा काम नहीं आदमी करता है लेकिन पूजा पाठ दान पुण्य धर्म कर्म तीर्थ यात्रा लोग करते हैं और करना चाहिए।
ये सदियों ऋषियों से चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है, और इसको अधिक मास को कोई गलत मास नहीं कहा जाता है। लोगों को होता है कि अधिक मास लग गया, अरे अधिक मास लगे तो पूजा पाठ करो, धर्म कर्म करो, तीर्थ यात्रा जाओ, ये सब के लिए अधिक मास है। और अभी शुद्ध मास चल रहा है श्रावणी का, उसके बाद अगला आएगा अधिक मास, उसके बाद फिर शुद्ध मास आएगा, फिर अधिक मास आएगा, उसके बाद श्रावण का। जैसा कि आपने सुना भक्तजन किस तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।